नमस्कार दोस्तों, आज हम एक शू रग का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि हमने अमेज़न से मंगाया है और इसकी कॉस्ट लगभग 460 रुपये है। ये पारसनाथ कंपनी का है, ये एक इंडियन कंपनी है। तो आइए इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम इसे बाहर निकालते हैं। ये इसकी माइल्ड स्टील की बाहर से, ये इसका क्लॉथ है। ये 5 शेल्फ का है। ये असेंबली कैसे करनी है उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। मैनुअल है इसका। ये अलग अलग टाइप के आते हैं, 3, 4, 5, 6 अलग अलग रैक के साइज़ हैं। तो ये मैनुअल इसके अंदर आपको मिलेगा। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है, ये बिग पाइप्स हैं, मीडियम पाइप्स हैं, स्मॉल पाइप हैं, और ये इसके जॉइंट्स हैं और फैब्रिक कवर है जिसको इससे। इसके अंदर एक कवर भी आता है इसका। तो आइए हम इसको आगे अनबॉक्स करके अच्छे से देखते हैं। ये इसके अंदर पाइप्स जो हैं हैवी पाइप हैं, अच्छी क्वालिटी के, मोड़ने पे भी नहीं मोड़ रहा है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, हार्ड है। ये जॉइंट्स भी इसके काफ़ी मजबूत अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, बिल्कुल दब नहीं रहे हैं, मजबूत हैं। अभी हम इसको आगे असेंबल करेंगे तो इसका पता चलेगा। फैब्रिक भी इसका अच्छा लग रहा है देखने में भी, हल्का सा वाटरप्रूफ लग रहा है, बट इसको हम बाद में टेस्टिंग करेंगे तब पता चलेगा। तो अभी हमने बड़ी मुश्किल से इसका ये एक सेट तैयार किया है। इसमें काफ़ी मेहनत लग रही है इनके जॉइंट्स को जोड़ने में, पर इसी प्रकार से हमें 4 और बनाने हैं अभी, तो हम उनको बना लेते हैं। तो अभी हमने ये 3 फ्लोर बना लिए हैं, इसके 4th फ्लोर बना रहे हैं, और ये जॉइंट्स इस प्रकार से इसके लग रहे हैं। ये इसमें लगाएंगे, काफ़ी टाइट हैं ये जॉइंट्स, मजबूत भी हैं, एक बार लग जाएगा तो आराम से स्टेबल रहेगा। इसके बाद इसको यहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे, इसमें लगा के ऐसे ठोक देंगे मजबूती से। फिर एक जॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला जो इसका एंड है, ओपन वाला सिरा जो है, जो आर पार ओपन है, देख पा रहे होंगे आप इसको, ये जो ओपन वाला सिरा है जिसमें छेद है, ये ऊपर नीचे रहेंगे इस तरीके से। और ये जो है साइड्स, ये वाला दिखाओ, ये साइड्स जो बंद हैं, ये वाले और ये वाले जिनमें ये किनारी बनी हुई है, ये वाले साइड्स लेफ्ट राइट में रहेंगे, और ये जो जिसमें छेद दिख रहा है, ये वाला ऊपर नीचे ऐसा रहेगा वर्टिकल में, इस टाइप से यहाँ पे। इस प्रकार से इसको, इसमें थोड़ा लेंथ का ध्यान रखना है। ये जो छोटा वाला पाइप है ये वर्टिकल में लगना है, जो मीडियम पाइप है वो ऐसे साइड में हॉरिजॉन्टल में लगना है, और जो लंबा वाला पाइप है वो तो ऐसे लगना है हॉरिजॉन्टल में। तो इसका छोटे वाले का और मीडियम साइज़ का ध्यान रखना है। तो अब हमने इसको पूरा फिट कर लिया है, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें फ्लोर्स हैं,
और आइए आप डायमेंशन दिखा देते हैं। ये देखिए 28.5, 29 आप इसको मान सकते हैं, 29 इंचेस है और ये हाइट है इसकी। और इधर से कितना है, 11 इंचेस ये इधर से है। और ये 23 इंचेस इधर से है। ठीक है, अब हम इसका कवर लगा के दिखाते हैं। ये इसका कवर हो गया। इसमें साइड्स में ये पॉकेट दिए हुए हैं, इसमें आप कुछ छोटा मोटा सामान रखना चाहें, लाइक इस टाइप से पॉलिश कोई रखना चाहें। और आगे से दिखाते हैं आपको, ये इसका लोगो लगा हुआ है यहाँ। इसमें ज़िपर दिए हुए हैं, इसको ओपन करो ज़िपर को। ये ज़िपर क्लोज करने के बाद आपका पूरा कवर्ड हो जाएगा चारों तरफ से इस तरह से, तो बिल्कुल डस्ट नहीं जाएगी स्विच पर। और फैब्रिक अच्छी क्वालिटी का लग रहा है इसका, ड्यूरेबल लग रहा है। ओपन कीजिए इसको, ज़िपर को आप जब शूज़ निकालना हो तो ओपन कर सकते हैं। और इसको रोल करके, और हम यहाँ पे इसमें यहाँ ये दिया हुआ है स्टेप, इसको रोल करके यहाँ पे हम इस तरीके से रख सकते हैं, अगर हम इसे परमानेंटली ओपन करके रखना चाहते हैं तो इस तरीके से ओपन करके रख सकते हैं इसे। और इसके ऊपर से भी ये मौजूद है काफ़ी, अगर इसके ऊपर भी कुछ हम रखना चाहें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वज़न, वो रख सकते हैं। जैसे कि कोई छोटा सा पॉट या कोई ऐसा टॉयज रखना चाहें। तो ये काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है और स्टेबल भी है। इसमें शूज़ रख के दिखा देते हैं आपको हम। देखिए दो जोड़ी शूज तो बहुत ईजली आ जा रहे हैं, बट अगर हम इसमें एक छोटे बच्चे के शूज भी आ सकते हैं इस तरीके से। तो ये था इसका डिटेल्ड रिव्यू। और ये कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा कमेंट्स में, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स के रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।